तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में, जिनमें अभी के टाइम हमें एक सेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है कंटिन्यू। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट दे रखा था बजट के टाइम भी एंड उसी के साथ साथ बजट से पहले भी, कि डिफेंस में अभी के टाइम नॉर्मली हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए एंड फ्रेश एंट्री को अभी के टाइम अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या देखने को मिला कि डिफेंस के सभी अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो उनका जो मंथली कैंडल है, मंथली वीकली वन डे कैंडल, सभी इस प्रकार से चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअली चार्ट जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए, बट चार्ट जो है वो हमें डिफेंस का इस प्रकार से, ये जो चार्ट है मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है, हालांकि ये तो चलो और भी कम है, इस प्रकार से चार्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिसेंटली लास्ट 2 से 3 सालों से डिफेंस शेयर सभी जो है एक जगह पे रुके हुए थे। जैसे ही PSU स्टॉक में रैली आना शुरू हुई, डिफेंस स्टॉक भागे। हालांकि कंपनियां भी अच्छी कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनियां घाटे में, कंपनियां प्रॉफिट कर रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स वैल्यू के हिसाब से स्टॉक भाग रहे हैं। बट अभी हमें देखने को मिल रही है सेलिंग, तो ये गिरावट क्या हमारे लिए मौका बन सकता है? क्योंकि दोस्तों देश का यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी के टाइम जो देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो किसकी है? वो ओवरऑल FMCG, देखिए फूड तो हमेशा सभी को चाहिए, बट इससे भी परे जो पहली जो दोस्तों नीड रहती है वो है डिफेंस, सुरक्षा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन दोस्तों चल रही है, जैसे हमें क्या देखने को मिला कि रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है, बांग्लादेश में भी दोस्तों जो चीज़ें हमें देखने को मिली है, तो मिलिट्री पावर जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस व्यू के हिसाब से क्या यहाँ पर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या यहाँ पर डिफेंस के स्टॉक अगेन एक न्यू हाई क्रिएट करेंगे? क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से भारत के आसपास के जितने भी देश हमें देखने को मिल रहे वो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो है कि भारत के सपोर्टर नहीं, सपोर्टर देश नहीं है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं डिफेंस, भारत का डिफेंस मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे में क्या यहाँ पर डिफेंस शेयर में अगेन रैली दिख सकती है? क्या इनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? तो वो भी जानेंगे। और ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है? अब देखिए यहाँ पर सुबह मॉर्निंग के टाइम में निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे स्तर पे ओपन हुआ, 200-300 पॉइंट गैप अप हमें देखने को मिला, उसके बाद एक गिरावट हमें नज़र आई एंड जो तेज़ी थी वो ओवरऑल पूरी माइनस में चली गई। टॉप लेवल से निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट हमें गिरते हुए देखने को मिला। सुबह के टाइम मैंने एक टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि इस 2 या 3% की तेज़ी को देख के, 2 या 3% की तेजी को देख के किसी भी स्टॉक में बड़ी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। सुबह के टाइम तेजी आई तो डिफेंस के स्टॉक भी भागे, 4-4% भागे एंड तुरंत मैंने आपको अपडेट दिया कि फंड हाथ में रखिए, फोमो में आके ऐड नहीं करना। आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। आज के दिन अगर आप देखेंगे FIs का जो डेटा निकल के आ रहा है दोस्तों, FIs का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैश मार्केट में कंटिन्यू FI वाले निकल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे FI वालों ने 3500 करोड़ की सेलिंग की है, DI वालों ने 3300 करोड़ की बाइंग की है, FI वालों ने 200 करोड़ की DI वालों के मुकाबले एक्स्ट्रा जो है वो सेलिंग की है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि US मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, डेटा वहाँ का सब अच्छा आ नहीं रहा है, GDP ग्रोथ की भी बात की जाए एंड उसी के साथ साथ दोस्तों जो जॉब्स डेटा है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो US मार्केट से निकल के FI वालों को इंडियन मार्केट की तरफ आना चाहिए, बट FI वाले इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डिफेंस का यहाँ पे क्या व्यू है शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कहाँ पे, अगर आप पारस डिफेंस के, अब हमें कल रिजल्ट्स देखने को मिले थे तो वो जो रिजल्ट्स है वो इस हिसाब से, मतलब बड़ी ग्रोथ के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहे। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो रेवेन्यू क्वार्टरली वाइज इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है बट क्वार्टरली इतना भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे एक रेंज पे प्रॉफिट ट्रेड कर रहा है, 12 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, तो मतलब जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक के प्राइस जो है अभी के टाइम ओवरबॉट जोन में दिख रहे हैं। PE की बात की जाए 126 का हमें पारस डिफेंस का PE दिख रहा है। कल रिजल्ट्स आए थे, शेयर भागा था, मैंने आपको क्या बोला 2-3% के पीछे नहीं भागना है। रिजल्ट्स आए, स्टॉक 5% जंप किया कल, बट आज अगेन, मतलब जिन्होंने कल तेजी को देख के बाई किया हाई पे, अब आज वो अगेन फंस चुके हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इन सभी कंपनियों के रिजल्ट्स आना बाकी है। BML के यहाँ पे BEML के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे, कंपनी ने लॉस किया इस क्वार्टर में, और हालांकि लास्ट ईयर भी लॉस किया था, बट जिस हिसाब से स्टॉक भागा है तो उस हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट करना चाहिए था, तो इस वजह से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हुई। पारस डिफेंस के भी हमें रिजल्ट्स नज़र आए, रिजल्ट्स इतने कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, हालांकि हाँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है, बट जिस हिसाब से स्टॉक भागा है उस लेवल की ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो कल जो ये तेजी थी ना, इसमें वॉल्यूम्स नहीं था, नॉर्मली ट्रैप था। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कल के मार्केट के ऊपर,
कल का मार्केट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए निफ्टी अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और निफ्टी का यहाँ पर ईएमए सपोर्ट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी अभी क्या है, ईएमए लेवल पे। अगर ये ईएमए लेवल टूटता है सेलिंग और हो सकती है, 23,200 के लेवल्स पे निफ्टी आ सकता है। अगर ये ईएमए लेवल टूटा तो 23,200 के लेवल्स पे आएगा, और अगर ईएमए लेवल टूटा तो फिर डिफेंस भी गिरेगा, मिड कैप भी गिरेगा, सभी गिरेंगे। तो जब तक निफ्टी यहाँ पर 23,900 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 23,900 का लेवल टूटा तो एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूँ पारस डिफेंस अभी क्या है, अपने ईएमए सपोर्ट पे। अगर निफ्टी ने 23,900 का लेवल ब्रेक डाउन किया तो ऐसे में पारस डिफेंस ईएमए को तोड़ेगा और अगेन क्या 1,100 के लेवल्स की तरफ जाएगा। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं भी करता है तो भी पारस डिफेंस मुझे कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ दिख रहा है, क्योंकि पारस डिफेंस में इतना स्कोप मुझे नहीं लग रहा है बाकी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ये स्टॉक ऑलमोस्ट मैंने 1400-1500 के लेवल पे अपडेट दे दिया था कि मुझे इस स्टॉक पे भरोसा नहीं है एंड ओवरऑल वहाँ से कंटिन्यू गिरी रहा है। मेरा ये मानना है कि एक सेलिंग यहाँ पे हो सकती है, 1000 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये मेरा पर्सनली व्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों बीडीएल। बीडीएल में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट जोन बताया था 1600 की, लेवल टूटा 1600 का तो गिरेगा। कंपनी ने ईएमए लेवल भी तोड़ा, 1600 का लेवल भी तोड़ा। कंपनी के लिए अब इंपॉर्टेंट जो अभी जिस लेवल पे स्टॉक खड़ा है, अब आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, सुबह के टाइम जंप आया स्टॉक 3-4% भागा था, बट मैंने आपको एक अपडेट दिया कि इस तेजी के चक्कर में हमें ऐड नहीं करना है। स्टॉक ऑलमोस्ट आपका भागा था 5%, और टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी दिया कि तेजी के चक्कर में नहीं रहना है, गिरावट हो सकती है, गिरावट हुई भी है, प्रेशर में है स्टॉक। यहाँ पे 0.5 के गोल्डन रेशियो पे है। अगर निफ्टी लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे ये स्टॉक 1250 का लेवल, 1240 का लेवल दिखा सकता है, और अभी के टाइम भी यहाँ पे 1240 के लेवल्स के आसपास आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा रुकेगा। एंड BEML की बात की जाए, यहाँ पर अभी के टाइम जैसा कि EMA सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, लेवल था 4800 का, जैसे ही टूटा स्टॉक गिरना शुरू हुआ 3900। अभी ये ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे क्या है कि बार बार आता है सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लिया जंप, सपोर्ट जंप, फिर सपोर्ट, फिर जंप, फिर सपोर्ट, फिर जंप। अगर निफ्टी ने वो लेवल तोड़ा 23900 का तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, नहीं तोड़ा तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, बट ज़्यादा रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे। कहीं ना कहीं अगर निफ्टी लेवल तोड़ता है तो ये स्टॉक जो है 3600 के लेवल दिखा सकता है, 3200 के लेवल्स दिखा सकता है। एंड अगला स्टॉक है दोस्तों बिल। बिल में मैंने आपको अपडेट दे दिया था बहुत पहले जब इसके रिजल्ट्स आए थे, मुझे लगा था कि सेंटीमेंट इसके सही नहीं है। रिजल्ट्स आए बट इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया है तो कुछ सेलिंग हो सकती है। 320 के लेवल पे ही अपडेट दे दिया था। अभी के टाइम स्टॉक ने ईएमए को भी क्रॉसओवर दे दिया है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि बिल जो है 260 के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है, 260 के लेवल्स के बाद एक रिवर्सल दिख सकता है। GRSE जो कि मैंने टॉप पे बताया था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप तो बेकार की बातें करते हो, जब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि GRSE अपने EMA पे आएगा। जब ये स्टॉक था 2600-2700 पे तो एक अपडेट दिया था कि GRSE EMA का गैप बहुत ज़्यादा है, EMA पे आएगा, 2000 का लेवल अगेन दिखा सकता है। बहुत सारे लोग सोच रहे कि भाई मजाक कर रहे, एंड अभी ये स्टॉक अगेन EMA के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। जब तक EMA के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये EMA टूटता है तो ये स्टॉक अगेन हमें 1750 के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो चार्ट हमें कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही दिख रहे हैं। तो चार्ट थोड़े बहुत ढंग के बनेंगे यहाँ पे अभी के टाइम। मजगॉन डॉक की बात की जाए, आप चार्ट आप देखिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। 200 का स्टॉक कंटिन्यू 5000 गया है तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या आगे कंटिन्यू रह सकती है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ मजगॉन डॉक में भी आपको एक अपडेट दिया था कि एक सेलिंग हो सकती है, सेलिंग हुई। ईएमए सपोर्ट है 4400 का लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे स्टॉक 4000 एंड 3600 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। अगला स्टॉक है HL। HL में ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी है, हर बड़ी गिरावट हमारे लिए मौका बन सकती है। HL में अभी के टाइम यहाँ पे ईएमए सपोर्ट भी टूट चुका है, नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका बनते हुए नजर आ रहा है 4380 रुपये का लेवल टूटता है 3500 के लेवल्स दिखेंगे। बट HL में मेरा ये व्यू है, भारत की सबसे बड़ी दोस्तों डिफेंस कंपनी है, ग्रोथ हमें फ्यूचर में मुझे दिख रही है। ऐसे में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी इसमें मेरी कोई एंट्री वगैरह तो है नहीं, स्टॉक मिल रहा है 20% डाउन में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ ऐड करूँगा। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख का फंड है HL में बाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 20,000 लगा दूंगा। रिवर्स हो गया तो 20,000 पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर रिवर्स नहीं हुआ तो जो पीछे 80,000 बचा है वो 10, यहाँ से 10% जब गिरेगा वो 80,000 वहाँ पे लगा, वो उसमें से कुछ फंड वहाँ से लगाऊंगा। HL पे मेरा ये मानना है सेलिंग प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे कि बाकी शेयर गिर रहे हैं। HL बड़ी कंपनी है, सेलिंग प्रेशर होगा बट धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा, एंड कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे, रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है।
कोचिन शिपयार्ड की बात की जाए, स्टॉक अभी के टाइम बहुत ऊपर है, एक सेलिंग यहाँ पे थोड़ी और होगी कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है ये में सपोर्ट टूट सकता है एंड 2000 रुपये तक के लेवल से ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो डिफेंस में ये है कि ग्रोथ तो है बट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से शेयर्स गिरेंगे, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से स्टॉक गिरेंगे क्योंकि ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कोई स्टॉक 10 गुना हुआ है तो कोई 20 गुना तो कोई 25 गुना, तो शॉर्ट टर्म में तो सेलिंग आएगी। और इस सेलिंग में मुझे जो सबसे अच्छे स्टॉक लग रहे हैं अगर वो मैं आपको बताऊं, तो पहला तो स्टॉक है HAL जो 20% गिरा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर ऐड करूँगा एंड नेक्स्ट एवरेज जो है वो यहाँ पे 10% और गिरेगा तब करूँगा। डिफेंस में जो मुझे अच्छे स्टॉक लग रहे हैं HAL लग रहा है, कोचिन शिपयार्ड भी मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है, और उसे सॉरी डिफेंस में HAL प्लस कोचिन शिपयार्ड ये दो स्टॉक एंड जो तीसरा स्टॉक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा रह सकता है बिल कंपनी, बट अभी के टाइम सेलिंग होगी। मैं इनको लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट टर्म मेरा व्यू कोई नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है एंड ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखी थी।